क्योंकि हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसका मशीन में कुछ गड़बड़ हो गया है जो कि अच्छा ये कैमरा है, जैसे कि हम अभी बना रहे वीडियो वहाँ पर रहता है तो उसमें हवा आता है। ये देखिए देसी जुगाड़ है हमारा उस्ताद, पड़ेगा आपको इसमें कितना टन आ जाता होगा माल, इसमें जो कार वगैरह टन के हिसाब से आता है या फिर कॉमिंस एक्स इसमें लिखा हुआ है भारत स्टेज, ये दो है देखिए दोस्तों, ये स्टेपनी निकाल रहे अभी उस्ताद जी, कुछ खराबी इसमें हो गया है सर, इसका पाइप निकल गया है, प्रेशर नहीं। 20 साल हो गए इसी कंपनी गाड़ी है, उसमें तो होगा ही, सिटी में होगा, हवा से हम लेके किसी तरह यहाँ तक आए, कार से बड़ी गाड़ी राइट होना चाहिए। जी जी, माल उस्ताद जी क्या क्या जाता है इसमें? इसमें फोर व्हीलर हर एक चेन्नई और एक कलकत्ता चलता है, पुरानी गाड़ी है इधर से, नया गाड़ी चलाया हुआ है आपने जो 6 का 4 का? हमारे कंपनी का नियम है 11 बजे के बाद गाड़ी खड़ी, इसको होल्डिंग भी कराना पड़ेगा इसको, जाओगे 15 दिन के बाद में आओगे तुम्हारी गाड़ी तुमको नहीं करने देगी, ये बात रहोगे तुम्हारा नंबर आएगा तब गाड़ी में, ये ड्राइवरी लाइन कोई करना नहीं चाहता, ड्राइवरों का कोई वैल्यू नहीं है जी, वो बात कोई भी उतार कर जूता मारने लगता है, हर स्टेट का अलग अलग चलान होता है। सर जो ब्रेक आपका टूट गया है इसको होल्डिंग कर, यहाँ पर दाल वगैरह दाल रखे हुए, यहाँ पर आटा रखे हुए है, ये कमरा लगा हुआ है भाई, ये देखिए कमरा लगा हुआ है यहाँ पर, एक्सीडेंट हुआ जी जी, तब कंपनी को मालूम चलेगा हमारा ड्राइवर कौन से पोजीशन में चला, कुछ मैसेज नहीं आता, हम गलत करेंगे उसको कंपनी को मालूम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रोनन व्हील्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले टाटा 3516CX ट्रक के बारे में। दोस्तों ट्रक दोस्तों एक लंबा सा कंटेनर ट्रेलर ट्रक है, देख सकते हैं आप इसका, ये देखिए दोस्तों बहुत ही लंबा ये कंटेनर ट्रेलर ट्रक है। ट्रक का दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, देख सकते हैं वहाँ पर उनका सामान वगैरह सब कुछ खोल कर रखा हुआ है, उनका कुछ खराबी हो गया, मशीन में कुछ गड़बड़ हो गया, वहाँ पर मैकेनिक साहब भी खड़े हुए देख रहे क्या कितना टाइम लगेगा। गाड़ी देख सकते हैं आप यहाँ पर कर्नाटक का ये गाड़ी है, ऊपर जैसे कि लिखा है दोस्तों देख सकते हैं आप ट्रांस सिस्टम ये कंपनी का कुछ गाड़ी है, जो कि ट्रांस सिस्टम कंपनी है। ड्राइवर साहब का बताना है कि ये विदेश का गाड़ी है, विदेश कंपनी मतलब फॉरेनर कंपनी का गाड़ी है, उनसे जानेंगे उनसे बात करेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं, कहां से कहां तक माल लोड होता है। तो सबसे पहले अगर गाड़ी के आगे की बात करें, यहाँ पर व्हाइट कलर का रेडियम पट्टी हमारे उस्ताद जी परिवहन के नियम के हिसाब से पूरा लगा कर रखा हुआ है, और ये टाटा का दोस्तों ये ब्रांडिंग लोगो आ गया, यहाँ पर टाटा लिखा आ गया, और इसका ये हो गया मॉडल नंबर 3516C यानी कॉमिंस एक्स इसमें लिखा हुआ है, भारत स्टेज ये दो है देखिए दोस्तों, ये मतलब कि BS2 है गाड़ी इसका, BS3 भी नहीं है, BS4 नहीं है, मतलब कि बहुत ही पुराना गाड़ी है। और अगर गाड़ी की अगर बात करें इस साइड से तो देखिए दोस्तों ये BS2 का गाड़ी है, देख सकते हैं आप इसका ये इंडिकेटर वगैरह, और ये हेडलैम्प देखिए इसका, ये चारकोल का मतलब स्क्वायर का हेडलैम्प बना हुआ है, सामने इस तरह से कुछ दिखता है ये ट्रक, सामने से इस तरह से ये ट्रक दिखता है, ऊपर नेशनल परमिट लिखा हुआ है। और इस साइड से अगर बात करें इसके चक्के की, सामने हो गया 2 और ये हो गया इसका 4-6 और पीछे हो गया 2, यानी कि 10 चक्का का एक ट्रेलर कंटेनर ट्रक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें ये 70 फीट का दोस्तों ये लंबाई है, इसका ट्रक की लंबाई 70 फीट, और इसके अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है 16 फीट का हाइट है। थोड़ा चलकर आपको ट्रक दिखा देता है, ये देखिए इसका ये हो गया डीजल टैंक, ये आ गया इसका, इसमें कितना कैपेसिटी रहता है उसका जिससे जानेंगे अभी, इसको आपको और थोड़ा दिखा देते हैं, ये देखिए इसका ये घोड़ा हो गया, ये अलग हो जाता है, अगर कंटेनर कहीं इसको रखना चाहे तो ये ट्रॉली को ये रह भी सकता है, यहाँ पर पीछे इसको निकाल कर रख सकते हैं। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कुछ ट्रांस सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, और बाकी ये देखिए इसका ये हो गया, इधर से अगर देखेंगे तो इस तरह से ये लंबा सा ये ट्रेलर कंपनी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप ISO 14001954 ये सर्टिफाइड कंपनी है, देख सकते हैं दोनों गाड़ी यहाँ पर खड़े हुए हैं, दो कंपनी का गाड़ी है, एक ही कंपनी का गाड़ी है, इस गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया तो उस्ताद जी यहाँ पर रुकवा कर दोनों सेम मॉडल का गाड़ी है, सेम मतलब कि इसका कंडीशन है, देखिए ये भी दोस्तों 3516C कॉमिंस ये BS2 का गाड़ी है, दोनों का दोनों ये सेम कंडीशन का गाड़ी है, और ऊपर वहाँ पर ट्रांस सिस्टम लिखा हुआ है, ये हो गया एक गाड़ी और ये सामने हो गया एक और गाड़ी। अभी चलते उस्ताद जी से बात करते हैं गाड़ी से क्या प्रॉब्लम हुआ है, गाड़ी का गाड़ी कब तक सही हो जाएगा, कहाँ से आया है गाड़ी, क्या माल इसमें लोड हुआ है, फुल डिटेल्स में बात करेंगे उस्ताद जी से, हमारे उस्ताद जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अभी ये देखिए ये स्टेपनी निकाल रहे हैं अभी उस्ताद जी, कुछ खराबी इसमें हो गया है जो कि क्या गर्म हो गया, उसमें क्या काम लगे, उस्ताद जी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है आपका? कंप्रेसर इसका पाइप निकल गया है, प्रेशर नहीं बना रही है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी प्रेशर नहीं बना रहा है, कंप्रेसर का पाइप निकल गया है, कब तक सही हो जाएगा उस्ताद जी? कहा नहीं जा सकता है, 1-2 घंटा लग सकता है। अच्छा, तो आप 1-2 घंटा में काम इसका खत्म हो जाएगा। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका नाम उस्ताद जी? अभिनेश सिंह। अभिनेश सिंह, आपका नाम?
विमलेश यादव एक ही कंपनी का गाड़ी, जैसे ट्रांस सिस्टम दोनों एक ही कंपनी है ये गाड़ी। ये गाड़ी कहाँ का कंपनी का? ये बेंगलोर की कंपनी। बेंगलोर की कंपनी। इस कंपनी के अंडर में कितने सारे गाड़ी होंगे? लमसम 400-500 गाड़ी इसमें। आप इस कंपनी में कितने सालों से हैं? आप मेरे को 20 साल हो गए इसी कंपनी में, एक ही कंपनी में आप। और जब से आप, मतलब कब से गाड़ी चलाना आप शुरू किया है, कितना साल हो जाएगा? मैं 2005 से चालू किया। 2005 से चालू किया, मतलब 2023 चल रहा है, 18 साल आपका हुआ है इसी में किया। उससे पहले 2 साल कंडक्टर किया इसी। अच्छा, 2 साल कंडक्टर इसी कंपनी में आपने किया हुआ है, मतलब कि पहले शुरुआत से ही आप इसी कंपनी में। आपका उस्ताद जी, आपका भी सेम उसी है, आप एक ही गाँव के शायद है। तो इस कंपनी में क्या कुछ सैलरी मिलता है, क्या फैसिलिटी देते हैं आपको, उस बारे में बताएंगे आप? सैलरी हम लोग का 15,950 रुपये है। 15,950 रुपये आपका सैलरी बनता है इसमें। खाने पीने का अलग से मिलता होगा? नहीं, खाना पीने का नहीं है। खाने पीने का अलग से खर्चा नहीं, उसी में 15,000 में मिलता है आपको? सब उसी में। जो चक्कर आप लगाते हैं, उस चक्कर का कुछ मिलता होगा एक्स्ट्रा पैसा? नहीं, चल जाता है। तो 15,900 यानी 16,000 पकड़ लीजिए मान के, 16,000 में आपका उसी में सब कुछ होता है, खाना पीना बाकी सब कुछ उसी में होता है। जैसे कि ये गाड़ी BS2 का गाड़ी है, बहुत पुराना मॉडल का ये गाड़ी है। चलाने में ये गाड़ी कैसा है? बहुत अभी BS4 का, BS6 का नया मॉडल का गाड़ी आ गया है। पुरानी गाड़ी है तो भाई तकलीफ थोड़ा होता है। हाँ, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम भी आपका आ गया, तो इसमें दिक्कत भी हो गया है। मतलब कि सफर के दौरान ऐसे दिक्कत होते रहते हैं आपके साथ, मान लीजिए अभी पुरानी गाड़ी है उसमें तो होगा ही। अच्छा, ये पुरानी गाड़ी है तो कभी कभी भी हो जाता है। तो मान लीजिए अभी ये, मतलब कि माहौल ऐसा है कि चारों तरफ दुकान है, आदमी है, तो यहाँ पर गाड़ी आपका खराब, तो भाई दिक्कत होता, मिस्त्री दूर से लाना पड़ता। जी जी, मान लीजिए अभी ये आपका BS2 का गाड़ी है, तो यहाँ पर मिस्त्री आपको मिल गया है। अगर BS6 का गाड़ी होता तो बहुत दिक्कत होता है, मतलब कि कहीं सुनसान जगह में गाड़ी खराब हो जाता है। तो अभी यही खड़ा हो जाता है, जैसे भुवनेश्वर सिटी में हुआ था, वहाँ से हम लेके किसी तरह यहाँ तक आए। अच्छा, आपका भुवनेश्वर में हुआ था, लेकिन आप मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि यहाँ तक आए हुए कि यहाँ पर कोई मैनेजर मतलब मैकेनिक मिल जाएगा आपको, तो सजा देंगे, सही कर देंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि ये गाड़ी, इसका लंबाई की अगर बात करें 70 फुट ये गाड़ी आपका लंबाई हुए, ऊंचाई की बात करें 16 फुट इसके हाइट 17 फीट। इसको चलाना में आपको कैसा क्या रहता है इसमें? जब रोड में चलते हैं सर चला रहे हैं तो अपने लोग को अभ्यास हो गया। अच्छा, आपका आदत हो गया एक तरह से, आदत आपका बन गया, पूरा एक्सपीरियंस आपका इस गाड़ी में आपको हो गया है। इतना लंबा गाड़ी मैनेज कर पाना कैसे आप मैनेज करते हैं, उस बारे में बताएंगे आप? भाई मेहनत तो सर बहुत है। मैनेज कैसे करते हैं, मतलब कि ओवरटेक करने के लिए कोई गाड़ी साइड देना चाहता है तो कैसे जाने के लिए? जैसे हम लोग का बड़ी आपका गाड़ी है, अपने को सेफ चलना है। आपका लेन जैसे कि उस साइड पे ही या फिर इस साइड का? लेफ्ट साइड है आपका, लेफ्ट साइड ये वाला लेन है आपका। लेकिन इंडिया में कोई मानता नहीं है, मानता नहीं है, बड़ा गाड़ी वाला उधर चलता है लेकिन छोटा गाड़ी इधर चलता है, ये नियम उल्टा है। मतलब नियम के हिसाब से आप लोगों को, नियम के अनुसार से बड़ी गाड़ी राइट होना चाहिए। जी जी, ये बात सही है, लेकिन उल्टा नियम हुआ है सरकार की तरफ से, उल्टा नियम बना दिया गया है। वो उसने क्या किया ना, इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, तो हमारा नियम एक्ट है, आईन के हिसाब से चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ड्राइवर को राइट साइड, बड़ी गाड़ी वाले राइट साइड होना चाहिए। जी जी, ये इतना बड़ा गाड़ी है, जैसे कि अभी कहीं पर आपको टर्न करना है, यू टर्न कैसे आप वहाँ पर मैनेज करते हैं? अब कर रहे हैं, अब कंडक्टर भी नहीं है। जी, कंडक्टर भी नहीं है, कहीं बायां देखने के लिए कोई भी नहीं रहता, का सहारा ले लेते हैं कहीं। जी जी जी, इसमें माल उस्ताद जी क्या क्या जाता है इसमें? इसमें 4-व्हीलर हर एक कंपनी का जाता है, 4-व्हीलर हुंडई का हो गया, टोयोटा हो गया, निसान का हो गया, रेनॉल्ट हो गया, कुछ भी कंपनी का 4-व्हीलर इसमें जाता है, सब कुछ आता है। बेंगलोर से, चेन्नई से आता है, कर्नाटक से आपका आता है, ये कर्नाटक का गाड़ी है आपका, इसमें कर्नाटक से आता है आपका, जहाँ मतलब कहाँ को जाता है ये? कलकत्ता, कलकत्ता में खाली होता जाता है। तो 20 साल में आप इसी को गाड़ी चला रहे हैं, 20 साल में सिर्फ आपका यही रूट चलता है कलकत्ता और बाकी चेन्नई बेंगलोर आपका चलता है, और किसी अदर स्टेट को आप नहीं जाते? अदर स्टेट केरला जाती है, केरला जाता है, तो साउथ में जाता है आपका, इधर दिल्ली वो पंजाब वगैरह, दिल्ली पंजाब जाती है आपका, लेकिन ये गाड़ी नहीं जाता है आपका, सिर्फ चेन्नई और कलकत्ता चलता है। पुरानी गाड़ी है, इधर ही चलती है। अच्छा, ये मेन रोड में चलता है, NS16 में गाड़ी हमारी कंपनी की है, वो जाती है, ऑल इंडिया चलती है, ऑल इंडिया चलती है, पुरानी जो नई गाड़ी है। अच्छा, वो जो नई गाड़ी चलती है। अच्छा अच्छा, ये आपका पुराना गाड़ी आप चला रहे हैं और उस्ताद जी आप भी चला रहे हैं, पुराना गाड़ी चलाने में कैसा आपको लग रहा है? नया गाड़ी चलाया हुआ है आपने, जो 6 का 4 का वही है, नया पुराना में बहुत अंतर है। जी जी, क्या अंतर है आपको? आप ये है, इसको बार बार गियर देना पड़ता है। जी जी, इसका है? मतलब कि एयर ब्रेक नहीं, इसका क्या सादा गाड़ी है, सारा पैर हाथ पूरा काम करने लगता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, पूरे टेक्नोलॉजी उसमें एयर में चलता है, आप धीरे से ब्रेक लगाएंगे तो एयर में चला जाएगा, गियर भी उसमें एयर गियर दिया हुआ है, देना ही नहीं है, बस हल्का इसलिए चल जाएगी, क्या हुआ
तो खाना पीना आपका कैसा रहता है इस गाड़ी में? खाना पीना यही ढाबा, खाना पीना ढाबा में कर लेते हैं आप, जैसे कि ढाबा वगैरह रोड साइड में आपको मिल जाता है, कहीं पर गाड़ी रोक कर लेते हैं आप। रेस्ट कितना घंटा आप चलाते हैं गाड़ी, कितना घंटा रेस्ट कितना घंटा करते हैं? हमारे कंपनी का नियम है 11 बजे के बाद गाड़ी खड़ी कर, रात के 11 बजे सुबह 5 बजे तक खड़ी रखो, रात के 11 से सुबह 5 बजे तक आप आराम कीजिए, गाड़ी खड़ी हो जाएगा। जैसे नो एंट्री है उसमें तो चलाना पड़ेगा। जी जी, इधर नो एंट्री एरिया है जी, वन नाइट को चलाना ही है, बाकी हाईवे के ऊपर 11 से 5 बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। कहीं ढाबे में कहीं पेट्रोल पंप में जगह देखकर आप रोक लेते हैं, फिर आराम करते हैं वहाँ पर। तो जैसे कि आपने बताया मतलब रात 11 से सुबह 5 बजे तक आराम करना पड़ता है, फिर आप चलते हैं फिर। तो चेन्नई से आपको गैस वेल्डिंग करानी, इसको होल्डिंग भी कराना पड़ेगा इसको? हाँ, होल्डिंग कराएंगे तब जाकर लगेगा ना क्या? लगेगा। अच्छा ये बात है, हो गया नहीं, और थोड़ा बाकी, और थोड़ा, दो मिनट बस, दो मिनट। तो जैसे कि आप ये जो गाड़ी चलाते हैं आप, कितना मतलब कि चेन्नई से आपका ये कलकत्ता कितना दिन आपको लग जाता है पहुँचने में? 5 दिन लग जाता है आपको। 5 दिन में कोई खर्चा वगैरह नहीं देता है, मैनेज कैसे आपका फैमिली वगैरह कैसे उसमें मैनेज कैसे कर लेते हैं आप लोग? खर्चा बोले तो सैलरी दे रहा है कंपनी। जी जी, उसी में अपना जीते खाते हैं। जी जी, घर में छुट्टी वगैरह इसमें क्या कुछ रहता है प्रोसेस? छुट्टी का तो नहीं है, साल भर में बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है साल भर में। मतलब कि आपको छुट्टी के लिए दरखास्त देना पड़ता है या फिर ऐसे ही? पहले देना पड़ेगा, उसके बाद उसे पास होगा तो जाओगे। 15 दिन जाओगे, 15 दिन के बाद में आओगे, तुम्हारी गाड़ी तुमको नहीं करने देगी, उसके बाद आओगे 15 दिन। 15 दिन आपका मिनिमम छुट्टी का डेट रहता है, 15 दिन मिनिमम, उससे अगर ज़्यादा आपको चला जाएगा तो आपको निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेगा, नहीं दूसरा गाड़ी आपको थमा देंगे, दूसरा गाड़ी देगा, निकालेगा। अच्छा अच्छा, ये बात रहोगे तुम्हारा नंबर आएगा तब गाड़ी मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है। मान लीजिए कोई नया ड्राइवर इस लाइन में आना चाहता है, आपको उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? अब 20 साल से इतना तजुर्बेकार आप, वही बोल रहा हूँ, नया आए ना तो ही अच्छा है। जी जी जी, ये ड्राइवरी लाइन कोई करना नहीं चाहता जी, और ड्राइवरों का कोई वैल्यू नहीं है जी, वो बात कोई भी उतार कर जूता मारने लगता है। हाँ, कोई भी मतलब कि गाड़ी पकड़ चले जाते हैं, कोई कुछ भी बोल, जैसे कि इतना लंबा गाड़ी है जब चलते हैं रोड पर तो आरटीओ वगैरह कुछ इसमें कुछ रोकते हैं, कुछ पूछते हैं आपको क्या, कुछ इसमें चेकिंग क्या होता है आपका? कोई परमिट चेक होता है, हर स्टेट का अलग अलग चलान होता है, जैसे आंध्र का चलान हो गया जी जी, उसके बाद उड़ीसा का भी चलान होता है, तो खैर उड़ीसा में तो इस समय आरटीओ नहीं जी जी, अपना कार कैरियर को परेशान कर रहा है जी जी, ना रोकता भी नहीं है जी। ठीक है, आप जाइए, आप करवा लीजिए, ठीक है, इतना खत्म करते हैं। आपने आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने भी आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी का। यहाँ पर ये जाइए, आप जाइए, ठीक है, तो देख सकते हैं उनका यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसको होल्डिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, वो अभी भी निकलेंगे अभी कलकत्ता उनको जाना है, उसको होल्डिंग करवाएंगे, फिर उसको आधा घंटा एक घंटा आपको लग जाएगा इसको फिर रिपेयरिंग करवाने के लिए, फिर जाने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये कुछ गाड़ी वगैरह उनका ये तार वगैरह गया हुआ है, ये जो वायर गया है प्रेशर के लिए गया है शायद, ब्रेक के लिए, फिर इस डोर के लिए जो ये कंटेनर के लिए, नहीं नहीं ब्रेक के लिए, ये ब्रेक के लिए गया जी, ब्रेक का है। अच्छा ये ब्रेक का है, एयर कंप्रेसर जो ब्रेक आपका टूट गया है, इसको होल्डिंग करेंगे फिर इसको लगाएंगे तब जाके आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये बात है, तो देख सकते हैं इनका केबिन, देख सकते हैं उस्ताद जी का, ये बहुत ही पुराना गाड़ी है। उस्ताद जी ये गाड़ी कितने सालों का होगा अंदाजन? 15 साल का गाड़ी है ये, 14 साल का गाड़ी, 2010 मॉडल है ये गाड़ी, बहुत मतलब खतरा हो गया ये गाड़ी में, बहुत देख सकते हो उस्ताद जी का। यहाँ पर तो गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, इसमें तो गर्मी बहुत आता होगा आपको, केबिन लकड़ केबिन नहीं है ना? हाँ ये लकड़ वाला नहीं है, पूरा टीना का बना हुआ है, लोहे हो गया, मतलब लोहे से टीना बन गया ये, देख सकते हो ऊपर इसका कुछ यहाँ पर डाम्बर के जो जरिए से यहाँ पर कुछ लगा कर रखा हुआ है, देख सकते हैं केबिन के ऊपर जो हमारे देश चारों तरफ कमरा लगा हुआ है। अच्छा ये कमरा लगा हुआ है भाई, ये देखिए कमरा लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखने के लिए साइड का पोजीशन देखने के लिए, साइड का पोजीशन हमको नहीं दिखाएगा, कंपनी को दिखाएगा। अच्छा कंपनी को दिखाएगा, जैसे एक्सीडेंट हुआ जी जी, तब कंपनी को मालूम चलेगा हमारा ड्राइवर कौन से पोजीशन में चला। अच्छा अच्छा ये बात है, मतलब कि आप अगर कहीं नींद में अगर चल भी रहे उनको पता चल जाएगा, सेंसर लगा हुआ है। अच्छा ये बहुत ही बेहतर आपको चीज दिया हुआ है, इसमें लगा लगा हुआ है, वहाँ भी लगा है। अच्छा लगा है कैमरा, अच्छा वहाँ पर भी लगा हुआ है उस साइड पे, इसी तरह डोर में उस साइड भी है, बीच ये में जो भी बीच है वाला वो कमरा। अच्छा अच्छा ये पता चल गया, मतलब बाहर में भी दिखेगा केबिन में ड्राइवर क्या कर रहा है वो भी दिखेगा, पीछे भी है पीछे भी कमरा लगाया। अच्छा ये बात बहुत बढ़िया चीज दिया, उसमें कमरा लगा दिया, कंपनी को पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, सेंसर भी लगा दिया है, GPS भी लगा हुआ है, सब कुछ बेहतरी के लिए आपके लोगों के ड्राइवर के लिए थोड़ा सोचा है कि कहीं ड्राइवर सो रहा है तो उनको पता चल जाता है, एक अलार्म तरीके से बजता है इसमें, कूँ कूँ होकर टूँ टूँ होकर बजता है। नहीं बचता नहीं है,
उधर से कुछ मैसेज आता है शायद? उधर से कुछ मैसेज नहीं आता, हम गलत करेंगे उसको कंपनी को मालूम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये देखिए इसका चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही पुराना है, 15 साल का ये मतलब कि ट्रक है, देख सकते हैं यहाँ पर इसका टूट फूट गया है, तो थोड़ा चढ़ते आराम से इसमें, थोड़ा चढ़ के केबिन आपको दिखाते हैं। उस्ताद जी हमारे अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए। ये हो गया इसका हैंडल, यहाँ पर पकड़ लिए, इधर साइड पर भी हैंडल बना हुआ है पकड़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। और ये देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया है, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसका मशीन में कुछ गड़बड़ हो गया है, जो कि उस्ताद जी क्या बता रहे थे इसका क्या वहाँ पर टूट गया है? कंप्रेसर पाइप। अच्छा कंप्रेसर पाइप टूट गया, जहाँ पर मतलब कि ब्रेक का काम करता है वो टूट गया है, इसलिए आपका ब्रेक नहीं लग रहा था शायद, तो उसको बनवाएंगे आप अभी ना क्या? तो ये जो आपका जूता है कंपनी में एंट्री करने का पहनना जरूरी होता है, यहाँ पर आपका सोना यहाँ पर होता है, स्लीपर ही आपका हो गया, तो ये जो बना हुआ है इसमें सामान वगैरह रखने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें भी स्लीपर बना देते हैं आदमी सोने के लिए, थोड़ा नीचे भी होता है, इसमें बेहतर रहता है सोने के लिए, थोड़ा ऊंचाई पर आ जाता है। ये आपका जैसे हो गया डिस्प्ले, अच्छा पीछे आपके देखने के लिए, जैसे कि आपका कैमरा पीछे लगा हुआ है, इसमें आप देखते हैं पीछे कोई आ रहा है, कोई खड़ा हुआ है, जैसे कि उसमें लगता है। ये आपका यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है? सेंसर नहीं है, ये कैमरा ही है। अच्छा ये कैमरा है, जैसे कि हम अभी बना रहे हैं वीडियो, वहाँ पर कंपनी में पता चल रहा है, उसमें दिखाएगा आप क्या कर रहे हैं केबिन का। अच्छा अच्छा, हमने साइजर में भी ऐसा देखे थे लगाया हुआ था, साइजर जो कंपनी होता है बड़ा वाला कंपनी, उसमें भी ऐसे ही कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था। तो ये आप उस पर जो लगा कर आपने रखा हुआ है नीला वाला पट्टी क्यों लगाया आपने वहाँ पर? ये हवा लेने के लिए। अच्छा ये ऐसी का हवा, बाहर का तो ठंडा हवा थोड़ा आराम से आएगा ना क्या, एक मतलब कि मोशन में आएगा आपका उसी हिसाब से आएगा। गर्मी ज्यादा रहता है तो उसमें हवा आता है। ये देखिए देसी जुगाड़ है हमारा उस्ताद जी का, जो कि एसी लगा दिया उन्होंने देसी जुगाड़ से, देखिए। और ये हो गया इसका गियर बॉक्स, यहाँ पर गियर डालने के लिए। इसमें कितना गियर रहता है उस्ताद जी? हाँ। गियर इसमें कितना रहता है? 6 गियर इसमें रहता है। गाड़ी चलाने में आपको कैसा लगता है? आपको कमर वगैरह कोई दुखता होगा ज्यादा लंबा चलते हैं? पुरानी गाड़ी है तो मेहनत तो है जी, इसमें मेहनत ज्यादा है। सीट जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सीट में कुछ मतलब कि दम नहीं है, मतलब कि आराम नहीं देता है। अभी का सीट जो आ गया बहुत आराम लगता है, ड्राइवर ऐसा बैठता है तो उसको पूरा आराम, ये जो पोजीशन उसका ऐसा रहता है मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना तो इसका इतना हाफ दिया हुआ है ना, बाकी ये जो आपका रहता है ये थोड़ा पेन होता होगा गाड़ी चलाने में। जैसे कि ये गाड़ी अब एक मतलब कि जब चलते हैं गाड़ी, कितना किलोमीटर तक आप जाकर रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं? यहाँ अपने को मतलब सुबह चले 5 बजे जी जी, उसके बाद में 8-9 बजे कहीं रुके, लैट्रिन बाथरूम हुए, नाश्ता किए जी, फिर चलते रहो, फिर चलते हैं आप। मतलब कि बोला जाए कि मतलब एक दिशा में, मतलब एक दिशा में कितना किलोमीटर तक चलते हैं आप? जैसे कि 100, 150, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप चलते हैं, इतना लंबा प्रॉब्लम वगैरह तो बहुत होता होगा, कमर वगैरह दुखता होगा, मतलब कि आपको मानना पड़ेगा, सैल्यूट है आप लोगों को। जैसे कि एक दिशा में आप देखते हैं इधर, फिर आपको एक बार तो कंडक्टर नहीं है, आपको बाएं भी देखना होता है, बाकी इतना लंबा गाड़ी है, बाएं भी देखो, दाहिने भी देखो, सामने भी देखो, मतलब सामने देखो इधर, मतलब कि कैसे मैनेज करते हैं हम तो सोचकर भी हैरान होते हैं, इतना लंबा भी गाड़ी है। हाँ हो गया 6 चक्का 10 चक्का वो दूसरी बात है, इसका अगर लंबा देखे तो बहुत लंबा ही है, 10 चक्का इसमें है लेकिन लंबाई बहुत है इसमें, मानना पड़ेगा आपको। इसमें कितना टन आ जाता होगा माल, इसमें जो कार वगैरह टन के हिसाब से आता है या फिर टन नहीं, कार मतलब वही जितना कार का ओजन आता है जी जी, 8 कार आता है इसमें। अच्छा अच्छा, अभी क्या कंपनी का इसमें लोड हुआ है? रेनॉल्ट का लोड हुआ है। अच्छा, वो जाएगा कलकत्ता शोरूम को जाएगा, चाहे शोरूम में वहाँ पर खाली होगा, खाली होने का प्रोसेस इसमें घुमाने से वो नीचे उतरता है ये वाला प्रेशर से, फिर वो आराम से खाली हो जाता है, ड्राइवर उसको चढ़कर स्टार्ट करके गाड़ी को निकालता है, पीछे तरफ से या फिर आगे से निकलता होगा? पीछे से, गाड़ी रिवर्स में निकलता है गाड़ी। अच्छा, तो ये बात तो देख सकते हैं यहाँ पर उस्ताद जी का, ये यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है जो कि हमारा महादेव जी का मूर्ति यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी ये हो गया हैंड ब्रेक शायद ये वाला है ना, ये सीट बेल्ट के लिए, सीट बेल्ट। अच्छा, ये सीट बेल्ट का तो ये बहुत मतलब कि पुराना मॉडल का ये सीट बेल्ट आप हमेशा लगा कर गाड़ी चलाएगा, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए रहता है। हैंड ब्रेक इसमें कहाँ पर देता है उस्ताद जी? अच्छा, उस साइड में हैंड ब्रेक है उसका, भाई कमाल का बात है। ये जो डिस्प्ले वगैरह इसका बहुत पुराना मॉडल का ही है, चढ़ाई वगैरह करने के लिए इसमें थोड़ा दिक्कत भी होता होगा, कहीं अगर थोड़ा सा भी चढ़ाई आ जाता है तो थोड़ा आपको एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाना पड़ता होगा इसमें। पुरानी गाड़ी है, पुराने हिसाब से चलाना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, इसका टाटा का लोगो भी बहुत पुराना मॉडल में इसमें लिखा हुआ है, अभी जो आ गया टाटा का लोगो, चमचमाता हुआ लोगो बना दिया है। अभी तो डबल टॉप आ गया है, बटन दबाओ अपने आप। हाँ, अभी वो गाड़ी आपने चलाया हुआ है शायद, मज़ा लगता है उसमें।
अच्छा ये बात है तो बहुत मजा आता है उसमें चलाने के, जिसने भी पूछा हमने, हाँ मजा आता है, कार की तरह गाड़ी बन गया, आराम से चलाओ पूरा बिंदास। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, आपका यात्रा शुभ और मंगलमय हो हम ही कामना करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे से उस्ताद जी जो जुड़े थे, उस्ताद जी का आपने लाइफस्टाइल देखा, उनका ट्रक का हालत देखा, ट्रक अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है बहुत ही, अभी टाइम लग रहा है उनको, एक घंटा हो गया पर खड़े हुए, अभी वो जाएंगे फिर कलकत्ता जाएंगे, देख सकते हैं आप उनका यहाँ पर केबिन का यहाँ पर सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर यहाँ पर रखा हुआ है, गिलास डेक्ची वगैरह सब कुछ सामान रखे हुए उस्ताद जी यहाँ पर। तो ये थे हमारे से उस्ताद जी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, अपना राय जरूर से दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।